जैसे कहते हैं ना सब बराबर है, एक ही है, कोई धर्म में कोई वो नहीं है, कोई ऊंच नीच बराबर कोई नहीं है, सब धर्म एक ही है। हेलो नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, केम छो, वड़ा काम, सत श्री अकाल। सो गाइज, आज की जो वीडियो है ना बहुत मेहनत से बनाई है, क्योंकि ये कोई प्रैंक नहीं है, कोई भी फनी वीडियो नहीं है, एक बहुत ही सीरियस मैसेज देने की कोशिश किया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बाकी वीडियो में क्या हुआ है वीडियो को चलकर देखो, मैं आपको मिलती हूँ वीडियो के बाद। एक्सक्यूज मी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। एक्चुअली मैं ना पाकिस्तान से आई हूँ, मेरे को पता नहीं मुझे आपको कैसे बताना चाहिए, मैं पाकिस्तान से आई हूँ और मैं अपने एक दोस्त के साथ आई थी, तो उसने मुझे बोला था कि नौकरी वोकरी लगवाएगा, काम वाम दिलाएगा, तो हम उस पर भरोसा करके यहाँ पे आ गए इंडिया में। और अब पता नहीं वो मुझे स्टेशन पे छोड़ के अकेले पता नहीं कहाँ चला गया। 24 घंटे से मैंने ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है, मैंने पानी की एक बूंद तक नहीं पिया है। तो आप मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हो, आपको तो पता है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मसला कि लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। तो मेरी ना किसी ने सुबह से ना, मैं सबसे हेल्प मांग रही थी, तो मेरी ना किसी ने मदद नहीं करी है, कोई मदद करने को तैयार नहीं है। तो आप, मैं भीख नहीं मांग रही आपसे, मैं कुछ अगर कुछ आपके पास है तो फोर्स नहीं कर रही मैं आपको, अगर कुछ खाने को है या फिर शुक्रिया, थोड़े बहुत पैसे हो जाए जिससे मैं कुछ खरीद के पानी की बोतल ले लेती या कुछ खा लेती। नहीं इतने नहीं चाहिए मुझे, अब थोड़ा से थोड़ा सा दे दो, अब मुझे सिर्फ 20-10 रुपए दे दो ताकि मैं कुछ खाने खरीद लूं। बहुत अच्छे हो आप, थैंक यू, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, मेरे को आपसे ना बात करनी थी। आप 2 मिनट, मैंने आपको परेशान तो नहीं किया ना? नहीं, नहीं, 2 मिनट आप बात कर सकते हो। देखो मैं ना ये पाकिस्तान से आई हूँ और मेरा एक दोस्त मेरे को बोल के लाया था कि वो मेरी नौकरी लगवाएगा, मुझे काम दिलाएगा, तो उसने मुझे बोला कि तू स्टेशन पर 5-10 मिनट बैठ तो मैं आता हूँ, और वो आया ही नहीं, मुझे छोड़ के चला गया। तो आपके पास आप प्रॉब्लम बताओ, मैं मुसीबत में हूँ बहुत ज़्यादा, मैंने सुबह से ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है, उसने बोला कि तू 5-10 मिनट बैठ और मैं आता हूँ, और वो आए नहीं। तो अभी तक आए नहीं? अभी तक आए नहीं, और मैं उनको देख रही हूँ, मेरा पासपोर्ट वीज़ा सब सामान उनके पास है और मेरे पास एक रुपया भी नहीं है कि मैं कुछ खरीद के खा लूँ या पानी पी लूँ। और मैंने ना इतने देर से, इतने घंटों से ना मैंने कुछ खाया है ना कुछ पिया है, और आपको तो पता है, टेंशन मत लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप आई कौन से हो? आपको तो पता है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मसला, यहाँ पे लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। ऐसा कुछ नहीं, देखो धर्म सारा एक ही है, कोई चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई ईसाई हो, सब धर्म एक ही है। बिल्कुल, और यहाँ पे मैंने बहुत लोगों से मदद मांगने की कोशिश करी, किसी ने मदद ही नहीं करी मेरी। आप बताओ आप क्या मदद चाहोगे? बस अगर आपके पास कुछ खाने को है तो कुछ खाने को दे दो, अगर नहीं है तो कुछ आपके पास पैसे हो जिससे मैं कुछ खरीद के खा लूँगी, बस नहीं कुछ आप, बस यही कि 10-20 रुपए। देखो मैं भीख नहीं मांग रही आपसे, बस मैं मुसीबत में हूँ, मैं मजबूर हूँ, इसलिए भीख वाली ऐसी कोई बात नहीं, आप प्रॉब्लम मुसीबत में हो, आपको ये लो, ये आपको, आपने सच में जरूरत होगी आप उनमें लग लो, कोई दिक्कत नहीं है। शुक्रिया, आपने बस ये ना साबित कर दिया, प्रूव कर दिया कि यहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा मददगार है, इंडिया के लोगों का दिल भी। आज के टाइम हर किसी के पास आती है, आप टेंशन मत लो, कोई दिक्कत नहीं, बस आप प्लीज ये रख लो। नहीं नहीं, आप नहीं, 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 मेरे लिए इतना काफी है, आपने मदद कर दी, आपका दिल आपका काम बस बस हो जाएगा। हाँ जी, मैं इसमें खा लूंगी, आपने मुझे दे दिया ना वही बहुत बड़ी बात है। मेरे पास नंबर सब कुछ भी नहीं है, उसी फोन में था, मेरा सारा सामान वही लेके चले गए। मैं कराची से आई हूँ। कराची से आई हो आप? मेरा नाम मायरा है और मैं कब से इंतजार कर रही थी उनका, वो आए नहीं, उन्होंने बोला था नौकरी दिलाऊंगा, मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ और उन्होंने मुझे बोला था कि काम दिलाएंगे यहाँ पे, तो मैं थोड़ा घर वालों के लिए कमाती अपना, लेकिन वो आए नहीं। तो आपने घर में कॉन्टेक्ट किया आपने? नहीं मैंने नहीं किया, लेकिन अब मैं जाऊंगी, मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी, बात करूंगी कि इसका सोल्यूशन क्या है वो निकालेंगे। पर आप, मैंने कुछ खाया नहीं था, आपने मेरी मदद कर दी, वही बहुत बड़ी बात है। नहीं नहीं, बस शुक्रिया, आपने ये दिखा दिया कि सब बराबर है, सब धर्म बराबर है, धर्म सब एक है। गुरु नानक साहिब जी ने भी, आप मानोगे, 20 रुपए का लंगर की शुरुआत की थी, आज देखो सारी दुनिया उन्हीं के लंगर से आप अपना पेट पूजा कर रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अगर आप चाहो तो नहीं, नहीं नहीं, बस शुक्रिया, मेरे लिए इतना काफ़ी है, आपने इतना बड़ा दिल है आपका, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। चलो बढ़िया, आपका बहुत 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 शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ? मैंने आपको परेशान तो नहीं किया?
दो मिनट बात कर सकते हो मैं आपसे? मैं ना एक्चुअली पाकिस्तान से आई हूँ और मैं अपने एक दोस्त के साथ आई थी, तो उसने मुझे स्टेशन पे बिठाया और उसने मुझे बोला कि तू थोड़ा सा इंतज़ार कर और मैं आऊँगा। तो यार हम वहाँ पे उसके इंतज़ार में कब से बैठे रहे और 28 घंटे हो गए, वो आया ही नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया। मेरे पास फ़ोन नहीं है, मेरा पासपोर्ट, वीज़ा, मेरा सारा सामान उन्हीं के पास ही है। मैं इंतज़ार करती रह गई और पता है मेरे 28 घंटों से ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है, मेरे पेट में कुछ गया भी नहीं है। और आपके फ्रेंड इंडिया से ही? नहीं, वो वही से ही थे, वो मुझे यहाँ छोड़ के चले गए। उन्होंने बोला था कि वो मेरा काम लगवाएंगे, मेरी नौकरी लगवाएंगे, लेकिन वो आए नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए। मेरा सारा सामान सब उन्हीं के पास है, मेरे पास अभी एक पैसा नहीं है। और आपको तो पता है यहाँ के लोग कैसे रिएक्ट करते हैं पाकिस्तान से कोई आए तो। ऐसा कुछ तो आप मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हो कि मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, पिया नहीं है, पानी तक नहीं पिया, एक बूंद नहीं पिया। मैं अपने माँ बाप के एक लौती बेटी हूँ कमाने वाली, काम के लिए मैं आई थी। कुछ भी थोड़ी सी आप मदद कर सकते हो तो, कुछ खाने का आपके पास है वो दे दो। देखो मैं भीख नहीं मांग रही, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं भीख नहीं मांग रही। क्या मतलब पैसे थोड़े बहुत, अगर आप पैसे अगर थोड़े बहुत दे सकते हो तो आप मुझे पैसे दे दीजिए, या अगर आपके पास खाने को है तो वो दे दीजिए। जो चीज़ें जैसे मैं आप छुट्टी पर खाने आप के लंच भी है मेरे पास और पैसे भी, आपको आप मेरे को पैसे दे दीजिए, आप अपना लंच कर लीजिए, मैं कुछ खरीद के खा लूँगी। बट फिर अगर आप, फिर आप उनसे मिलेंगे कैसे फिर आपको? तो फिर अगर मैं कंप्लेन करूँगी अभी जाके उनके रिगार्डिंग जो भी है, तो देखेंगे क्या होगा। फिलहाल तो मैंने कुछ खाया नहीं है, तो मैं थोड़े बहुत पैसे कलेक्ट करी थी, अगर मुझे मिल जाता। आप बहुत अच्छे हो, आपने ये दिखा दिया कि इंडिया के लोग भी बहुत अच्छे हैं, कि पीछे नहीं हटते अगर कोई बाहर से आता तो उनकी मदद करने में। सब एक ही जैसे, इंडिया पाकिस्तान क्या सब तो एक ही जैसे। शुक्रिया। एक्सक्यूज मी, आपने मेरी मदद करके ना दिखा दिया आपका दिल कितना बड़ा है। और मैं आपको बता दूं, मैं एक सोशल एक्सपेरिमेंट छोटा सा वीडियो शूट कर रही थी, वो देखो सामने कैमरा लगा हुआ है। बस ये देखना चाहते थे अगर पाकिस्तान से लोग यहाँ पे आते हैं हिंदुस्तान में, इंडिया में, तो लोग हेल्प करते या नहीं करते। बट आपने मदद करके ना ये सब, ये बिल्कुल प्रूव कर दिया कि यहाँ के लोगों का दिल बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत दिलदार है यहाँ के लोग। आप हो चाहे कोई और भी, हेल्प देखो सबके लिए एक बराबर ही है। ये कहते हैं ना सब बराबर है, एक ही है, कोई धर्म में कोई वो नहीं है, कोई ऊंच नीच बराबर कोई नहीं, सब धर्म एक ही। आप कुछ बोलना चाहते हो कैमरे के आगे, कुछ भी इनसे रिलेटेड? मैम आपको तो मैं यही कहूँगा, क्योंकि सिख ईसाई धर्म जो भी है सब एक बराबर है। गुरु नानक साहिब ने ये परंपरा चलाई थी कि मतलब कोई किसी की जाति, कोई ऊंच नीच कोई वो नहीं है, सारे धर्म एक बराबर ही है। बाकी इन्होंने मेरे से हेल्प की, हेल्प मांगी, मैंने इनको कोई वो नहीं पूछा कि आपका धर्म क्या है, आप कहाँ से आए हो, क्या है। इंसानियत देखी आपने? इंसानियत मैंने देखी, इनको मुसीबत थी तो मैं इनकी मैं हेल्प करना चाह रहा था, मेरे को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया। ये आप रख लो। नहीं प्लीज़ प्लीज़, मेरे को नहीं चाहिए, आप प्लीज़ रख लो। आपने मेरी इतनी मदद कर दी, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं एक छोटा सा सोशल एक्सपेरिमेंट शूट कर रही थी, देखो कैमरा लगा हुआ है सामने। बस यही देखना चाहते थे कि अगर पाकिस्तान से कोई हिंदुस्तान में आता है तो लोग उसकी हेल्प करते या नहीं करते। वो होता है ना पाकिस्तान और इंडिया में दरार है, तो यही लोगों ने बना रखा है, ऐसा कुछ है नहीं। ऐसा कुछ है नहीं, आप लोगों ने प्रूव कर दिया कि सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में है, भाई भाई, सब सारे सब इंसान है, भगवान के बनाए इंसान है सब। और आपने मदद करके प्रूव भी कर दिया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। आप ये रख लो, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, शुक्रिया। सो दोस्तों, कैसी लगेगी आपको वीडियो? उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो मैं पहले आपको ये बात बता दूं कि ऐसी ही सेम वीडियो पाकिस्तान में बनाई गई थी, जिसमें एक लड़का हिंदुस्तानी बनके पाकिस्तानी लोगों से मदद मांगता है और ये दिखाने की कोशिश करता है कि अगर कोई ऐसा करता है तो पाकिस्तानी उसकी किस तरीके से मदद करते हैं। तो मैंने भी बस एक छोटा सा ये दिखाने की कोशिश करी है कि अगर ऐसा सेम हिंदुस्तान में भी होता है ना, तो लोग पीछे नहीं हटते यार, लोगों का दिल बहुत बड़ा है। लोग यहाँ पे धर्म, जात पात ये सब साइड में रख के इंसानियत को पहले रखते हैं, इंसानियत को ध्यान में रखते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। बस एक छोटा सा मैसेज देने की कोशिश की है, तो यार पसंद आए तो लाइक चाहे ना करना, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और हर जगह पर ये वीडियो शेयर हो। और उम्मीद है पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो आपको वीडियो कैसी लगी। और मैं ये चाहूँगी आप ये वीडियो चाहे लाइक करें ना करें, लेकिन ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना, कि इस वीडियो को बाहर के लोग देख सकें, हर जगह के लोग, हमारे हिंदुस्तान के लोग और हिंदुस्तान के बाहर भी हर जगह ये वीडियो जा पाए। तो अपना प्यार मुझ पर ऐसे बनाए रखें, मैं आपको अच्छे अच्छे वीडियोज़ के साथ मिलती रहूँगी। जय हिंद।